साल की तरह इस साल भी मुंबई के रानी बाग में फ्लावर एग्जीबिशन का जो है बड़े ही धूमधाम से जो है फ्लावर एग्जीबिशन स्टार्ट हो गया है। आप देख सकते हैं मुंबई महानगर पालिका यानी कि BMC की तरफ से हर साल जो है डिफरेंट फ्लावर्स और पौधे सारे चीज़ जो होते हैं उन सबको जो है एग्जीबिशंस लगाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फूल को किस तरह से सजाया गया है, ऐसे लग रहा है कि फूलों की चादर बिछी हुई है। देखने में इतनी सुहानी लग रही है कि देखते ही मन लगता है कि यहाँ पे बैठ जाए। ये अपने आप में जो है एक हमेशा की तरह सुनहरा जो है अवसर रहता है BMC का तरफ से, और हर साल जो है BMC इसी तरह की कई एग्जीबिशंस इस तरह से करते हैं और अलग अलग थीम लेकर के आते हैं जिससे लोगों का फ़ायदा भी हो सके और साथ में साथ जो है इस तरह से एग्जीबिशंस होकर के लोगों के अंदर जो है फ्लावर एग्जीबिशंस या फिर फ्रूट एग्जीबिशंस के द्वारा जो है लोगों के अंदर किस तरह से गार्डन में या फिर आप कह सकते हैं टेरेस फार्मिंग कैसे किया जाता है इसका भी यहाँ पे प्रदर्शन किया जाता है। जिस तरह से भारत में इस बार G20 सम्मेलन हुआ है जिसको लेकर के पूरे दुनिया में जो है भारत की जो है गरिमा बढ़ गई है, और G20 को थीम को लेकर के इस बार जो है इस फ्लावर एग्जीबिशन में रखा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि G20 थीम जो है रखा गया है, और उसके साथ ही साथ आपको यहाँ साइड में मैं दिखाने की कोशिश करूँगी कि यहाँ पर जो है छोटा सा पौंड बनाया गया है, मतलब नेचुरल ब्यूटी देने की कोशिश की गई है, साथ ही साथ झरना भी है, हिरन भी बनाया गया है। और बैक साइड में मैं यहाँ पे कैमरा पर्सन को दिखाने की कोशिश करूँगी कि G20 का जो थीम है यानी कि किस तरह से G20 में भारत ने हिस्सा लिया और अपने आप को जो है उन देशों में शामिल किया जो कि बहुत ही अपने आप के लिए प्राउड फील है। और यहाँ पे फूलों से जो है G20 बनाई गई है, और G20 का थीम जो है इस बार मुंबई महानगर पालिका का गार्डन एग्जीबिशंस में जो है G20 ही दिख रही है। मुंबई के रानी बाग में एग्जीबिशंस फ्लावर एग्जीबिशंस जो है स्टार्ट हो गया है। हम आपको इस फ्लावर एग्जीबिशंस के शो में दिखाने चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में ही आपको G20 जो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, जो अपने आप को प्राउड फील हो रहा है कि भारत जो है G20 का पार्ट बन गया है। और साथ ही हम आपको यहाँ पे दिखाते जाएंगे कि किस तरह से पूरे फ्लावर्स का जो है एग्जीबिशंस है, और हर तरह के फ्लावर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और इतने सुंदर फ्लावर है जिसके लिए आप देखेंगे तो आपको मन में लगेगा कि वाओ क्या कहना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ये थीम है फ्लावर से जो है यहाँ पे टॉम एंड जेरी बनाया गया है। ये कैमरा पर्सन को ये कहूँगी कि भाई पहले इसको दिखा दे ताकि टॉम एंड जेरी इतनी खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए नेचुरल, यहाँ पे कोई भी आर्टिफिशियल नहीं है, ये सारे जो फ्लावर्स है वो नेचुरल फ्लावर्स है, और टॉम एंड जेरी बनाए यानी बच्चों को काफ़ी आकर्षित कर रहा है। आपको सबसे महत्वपूर्ण बात जो है आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो एरिया है यहाँ पे जो भी आपको दिख रहा है, चाहे ये सारा मिक्की माउस जो बना हुआ है या लकड़ी के जो भी बनाया गया है, और उसके साथ साथ यहाँ में टॉम एंड जेरी जो बनाया, ये जो पार्ट बनाया गया है ये बंदा जो है वो हैंडीकैप है, यानी कि बोलने सुनने में या फिर देखने में मतलब जो उन लोगों का सक्षम नहीं है उन बच्चों के द्वारा ये बनाया गया है। और इनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो काफ़ी अच्छे पेंटिंग्स भी करते हैं। आप देख सकते हैं कि फूलों से हिरन बना हुआ है, ये देख सकते हैं कितना मतलब कितना क्यूट लग रहा है। बच्चे जब इसको देखेंगे तो कितना खुश होते होंगे आप समझ सकते हैं। सुबह यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी बच्चों की, साथ ही में यहाँ पे देखिए मिक्की एंड डोनल्ड है, और साथ में वो ट्विटी भी बना हुआ है। ट्विटी जो है काफ़ी बच्चे को पसंद आता है, और ये देख सकते हैं ट्विटी है, एकदम नेचुरल वे में बनाया फ्लावर से ट्विटी बनाया गया है। और साथ ही साथ जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा लकड़ी का जो एक ये बनाया गया है, घर टाइप का बनाया गया है, और जिसमें अलग अलग फ्लावर्स रखे गए, जैसे लग रहा है कि हम गार्डन में बैठे हुए हैं और गार्डन में बैठने के बाद यहाँ पे फूल वगैरह का देख रहे हैं। ये कितना सुंदर लग रहा है आप इसको समझ सकते हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लोग जो है रात हो गई है और लोग इस गार्डन का एग्जीबिशंस का मजा लेने आए हैं, तो बोला काय वाटते कस खूब छान मने छान वाटे इकड़ा आले होती
एकदम मन प्रसन्न झाले. खूप सुंदर अशी नॅचरली झाडं सगळी छान. तुम्हाला असं वाटते की मुलामुली जे लहान मुलामुली आहे त्याच्या सगळे केले म्हणून तो लहान मुलामुलीचं जास्त एक अट्रॅक्शनचं लहान असं काय नाही. लहान मुलं मोठी त्यांनाही छान वाटेल. लहान मुलाला तर अगदी छान वाटेल. खेळणी पण खेळवले छान कार्टूनची, त्यांना पण फुलं लावली ते पण असली सगळं नॅचरली. खूप छान वाटतं मुलांनाही मोठ्यांनाही लहान. परत जे एज असते माणसं जास्त त्या लोकांना पण खूप छान वाटेल. सगळे फिरून आले का? नाही आता जस्ट आले मी 10-15 मिनिटं झाले. अच्छा हो. अजून काय अजून काय बघणार? फिरायचे इथे अजून भरपूर आहे. हो ना. पण आता बघते मला पण बाहेर जायचं आहे दुसरीकडे अजून ना. तो जिस तरह से आपने देखा कि कितनी अच्छी लग रही है इस तरह की जो एग्जीबिशंस होता है और ये लोग जो है खास कर देखने आते हैं यहाँ पर. मैंने आपको बताया था कि बच्चे के लिए काफ़ी आकर्षण की चीज़ है और यहाँ पे हमारे साथ कुछ बच्चे हैं. मैं ये कौन से स्कूल के बच्चे? बच्चा ग्लोरिया. ग्लोरिया बच्चे. ग्लोरिया हाँ. नाम बताओ स्कूल का नाम. ग्लोरिया कॉन्वेंट हाई स्कूल. गवर्नमेंट हाई स्कूल. वेरी गुड. तो स्कूल से डायरेक्ट इधर ही आ गई. हाँ. क्या क्या देखा इधर? हाँ. पता नहीं है. नहीं पता. फ्लावर देखा, टॉम एंड जेरी देखा और ये ट्वीटी देखा और वो क्या उसका क्या नाम है उसका, वो हीरो ब्रेडियर है. फिर उसके बाद उधर वो क्या है कार्टून पता है? पेपा पी. हाँ पेपा पी. पेपा देखते रहते ना कार्टून. पेपा 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 जाता है ना अपने दादी के घर नानी. हाँ, के घर. हाँ, पता है ना. हाँ, याद आया. हाँ, क्या देखी तूने? पेपा पी. हाँ, और याद ही नहीं है. बच्चे इतने कंफ्यूज हो गए हैं. इधर देखो टॉम एंड जेरी भी दिखा. देखा कि नहीं? हाँ, मजा आया कि नहीं? हाँ, अभी जाके फ्रेंड्स लोगों को स्कूल में कल बोलेगी कि अरे हमने तो ये देखा तुमने देखा क्या. अरे पर हम दोपहर पर आ गए थे इधर. अच्छा दोपहर पे आके गए थे. हाँ. तो दोपहर को भी देखा था ना. तो दोपहर को क्या क्या देखा था वही तो पूछ रही हूँ. मुझे नहीं पता ना बच्चा क्या क्या देखा था दोपहर को. इतने सारे फ्लावर्स थे. नहीं देखा था? देखा. कौन कौन सा फ्लावर्स देखा था? फ्लावर्स का नाम भी नहीं याद है. बाप रे बाप. मैं टीचर को जाके कंप्लेन करने वाली हूँ. करूँ कंप्लेन? अरे आपके बच्चे को तो फ्लावर्स का नाम ही नहीं पता. मेरी गोल्ड लोटस. मैं बताऊँ? सनफ्लावर और पिंक रोज, रेड रोज, वाइट रोज और पर्पल रोज. हाँ पर्पल रोज. और क्या देखा? पिंक रोज. बहुत मजा आया ना. हाँ. किसको किसको मजा नहीं आया? मजा आया? आया आया ना. कितना मजा आया फ्लावर देख के. कल जाके स्कूल में बताने वाले बच्चों को. हाँ. है ना. क्या बोलेगी? पहले क्या बोलेगी? कौन बताएगा मुझे? कौन बताएगा अपने जाने के बाद अपने फ्रेंड्स लोगों को? क्या कौन बताएगा? बताएगी घर पे क्या बताएगी? अच्छा घर पे क्या बताएगी दादी मम्मा पापा? मेरी फुल ऑफ ग्रेस द लॉर्ड इज विद यू ब्लेस्ड आर यू अमंगस्ट वुमेन एंड ब्लेस्ड इज द फ्रूट ऑफ योर वूम जीसस होली मैरी मदर ऑफ गॉड प्रे फॉर अस सिनर्स नाउ एंड एट द आवर ऑफ आवर डेथ आमेन हालेलुया ऑफ ग्लोरी प्रे फॉर अस. आप रे देखा आपने बच्चे ने कितना सुंदर प्रेयर गाया और अपने आप में जो है बहुत सुहाना लगता है कि छोटे छोटे बच्चे जो है एंजॉय कर रहे हैं और इनको मज़ा ले रहे फ्लावर्स का. है ना. वो काफ़ी मज़ा ले रहा है. थैंक यू.